धन ने देश को तबाह कर दिया। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी भाइयों बहनों। देश में काले धन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत मोदी सरकार की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। नोटबंदी के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से जिन 2,09,032 कंपनियों को बंद किया गया था, अब उनके बैंक खातों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है कि ये कथित फर्जी कंपनियां किसी हाल में ऑपरेट ना कर पाए। बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। सरकार की ओर से इस कार्रवाई के संकेत जुलाई के महीने में ही दिए गए थे। लाल किले के प्राचीर से भी पीएम मोदी ने इन फर्जी कंपनियों पर कार्रवाई के संकेत दिए थे। हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाएं, तो 2400 घंटे उस पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती हैं, अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, मैं जाने क्या क्या होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3,00,000 कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती। 3,00,000 कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2,25,000 का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। फिलहाल जब तक ये मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से कानूनी रूप से सुलझ नहीं जाता, तब तक इन कंपनियों के बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि इन कंपनियों के खातों को प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।